हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैन लर्निंग पॉइंट में। ये वीडियो का पार्ट 32 है। इसमें NIOS PDPET ब्रिज कोर्स, जो कि पेपर थर्ड का है, इसका कोड है 523। तो पेपर थर्ड की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 7 और 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 21-7, यूनिट 7, समुदाय 1 अधिगम संसाधन के रूप में। तो इस इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखेंगे, जो कि ब्रिज कोर्स के लिए पेपर थर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अधिगम पर समुदाय का प्रभाव होता है। ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समुदाय में समावेश नहीं होता है। तो ऑप्शन है परिवार, धार्मिक संघ, विदेशी संघ, नगर। तो समुदाय में समावेश नहीं होता है, विदेशी संघ का। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समुदाय के अंग हैं। ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, मित्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। समुदाय के अंग व्यक्ति, परिवार, मित्र, ये तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार मनुष्य द्वारा बनाए समाज की सबसे छोटी इकाई है। जो परिवार है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, समाज की सबसे छोटी इकाई है, ये कथन किस प्रकार का है? तो ये कथन सत्य है और असत्य भी है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध और आधारित होता है, तथा जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन पोषण हो जाती है। कहने का तात्पर्य संबंध पर आधारित होता है, और जो इतना स्थायी होता है कि वहाँ पर बालक के जन्म का पालन पोषण हो सके, ये कथन है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकाइवर और पेज का। अगला क्वेश्चन है, परिवार से बालक सीखता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो परिवार से बालक सीखता है, क्या क्या सीखता है? व्यावहारिकता, नैतिकता, चारित्रिक आचरण, ये तीनों चीज़ें परिवार से बालक सीख सकता है। आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के अभाव में समुदाय और समुदाय समुदाय के अभाव में व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, कथन है। ये कथन है सत्य, ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक का कार्य है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को बदलते मौसम के शरीर पर प्रभाव से अवगत कराना, प्राथमिक उपचार की जानकारी देना, स्वच्छ अभियान पर व्याख्यान करना, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है संग्रहालय, पुस्तकालय, मकान, बंदरगाह। सही आंसर है बंदरगाह, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का लाभ है। सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा प्रदान करने का स्वाभाविक ढंग है, नवीन रुचियों के लिए अवसर, व्यवसाय चुनाव का अवसर। अगला
अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए सबसे अधिक धन किस स्रोत से प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार से। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के स्रोत होते हैं तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, क्योंकि ज्ञान के जो स्रोत हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा हमें प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी घर से, समाज से, समुदाय से, तीनों जगह से अनौपचारिक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है? सही आंसर है विद्यालय, औपचारिक शिक्षा का जो साधन है वो विद्यालय है। औपचारिक शिक्षा होती क्या है? औपचारिक शिक्षा में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा और कब पढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें निश्चित होती हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ निश्चित नहीं होता है, तो औपचारिक शिक्षा विद्यालय में ही आपको मिलती है। सीधा सा कहने का तात्पर्य है औपचारिक शिक्षा का साधन विद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नियोजन संबंधी कर्तव्य नहीं है? सही आंसर है गृहकार के लिए, तो प्रधान विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नियोजन संबंधी कर्तव्य नहीं है, गृहकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के गुण नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है प्रधानाध्यापक के यानी कि प्रिंसिपल के गुण नहीं है, तो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, अमानवीय व्यवहार, उपयुक्त सभी। सही आंसर है अमानवीय व्यवहार, तो ये गुण प्रधानाचार्य जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सामाजिक परिवर्तन की धुरी है, कथन है, तो ये कथन सत्य है। शिक्षक सामाजिक परिवर्तन की धुरी है, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बालक किस व्यवसाय में अधिक रुचि लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामुदायिक व्यवसाय में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, सही आंसर है प्रजातांत्रिक, जो शिक्षक का दृष्टिकोण है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका होती है, ऑप्शन दिए गए हैं, मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल का स्पार्क प्लग है, तो स्कूल का जो स्पार्क प्लग है वो है छात्र, सही आंसर है छात्र। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बंधन सर्वाधिक था, सही आंसर है ब्रिटिश काल में, जो सामाजिक वंचन सर्वाधिक था वो ब्रिटिश काल में था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग हैं, सही आंसर है 13.82 करोड़, तो अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग हैं 13.82 करोड़। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कितना भाग अनुसूचित जातियों का है? सही आंसर है 20%, तो उत्तर प्रदेश में 20% अनुसूचित जातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ है? सही आंसर है 1980 में, जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ था वो 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंध निर्भर करते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर, मनुष्य की प्रकृति एवं अवधारणा पर, धर्म की अवधारणा पर, जैविक एवं पर्यावरणीय अवधारणा पर, उपरोक्त सभी।
सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी पर मानवीय संबंध निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्य है। ऑप्शन है प्रकाश की व्यवस्था, गांव की सफाई, कृषि की उन्नति, इनमें सभी। सही आंसर है इनमें सभी, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत का कार्य प्रकाश की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करवाना, कृषि की उन्नति, ये तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं। सही आंसर है 9 से 15। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं 9 से 15 के बीच में, या 9 से 15 तक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती, कथन है। ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है, कथन है। यह कथन है क्लियर का। तो यहाँ पर इकाई ये कंप्लीट होती है। चलते हैं अगली इकाई पर। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में 2 इकाई के बारे में बताया जाना है, इकाई 7, इकाई 8, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर बताए जाने थे। तो इकाई 7 कंप्लीट हो चुकी है, अब इकाई 8 को देखते हैं। इकाई 8 है, एक शिक्षा शास्त्री संसाधन के रूप में कला। एक शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में कला, इस यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस होते हैं। सही आंसर है 9। जो रस हैं, यहाँ पर हिंदी में बात की गई है, हिंदी सब्जेक्ट में जो रसों की संख्या है वो कितनी होती है, 9। अगला क्वेश्चन है, रस का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है श्रृंगार, शांति, मानवी, भयानक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मानवीय। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, ये तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य बोध शिक्षण का उद्देश्य है। सौंदर्य बोध शिक्षण का उद्देश्य है, सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन देखिए, आनंद, वातावरण को स्वच्छ बनाना, विद्यार्थियों में निरीक्षण, ये तीनों ऑप्शन सौंदर्य बोध शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कला को कितने रूपों में पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की बात कही जाती है। कला को कितने रूपों में पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की बात कही जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। कला को 2 रूपों में पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की बात कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुकरात विधि किस विधि का दूसरा नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में दी जाने वाली कला के प्रमुख उदाहरण हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, नृत्य, लोकगीत, संगीत। तो विद्यालयों में दी जाने वाली जो कलाएं हैं, नृत्य भी सिखाया जाता है, लोकगीत, संगीत, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, नृत्य के प्रकार हैं। ऑप्शन है सालसा, रॉक, भरतनाट्यम, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी नृत्य के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हर क्षेत्र की अपनी एक नृत्य शैली होती है, कथन है। ये कथन सत्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। सही आंसर है विरह। विरह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, जबकि रसिया, आला, कजरी, ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंखीड़ा कहाँ पर गाया जाता है? जो पंखीड़ा है कहाँ पर गाया जाता है? सही आंसर है राजस्थान। पंखीड़ा राजस्थान में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा का लोकगीत है? सही आंसर है मंडो। मंडो गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अम्मा नेवारी कहाँ का लोकगीत है? अम्मा नेवारी कहाँ का लोकगीत है? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, चाय हिया लोकगीत गाया जाता है? सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में चाय हिया लोकगीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में लोकगीत गाया जाता है? सही आंसर है छाकरी। छाकरी कश्मीर में लोकगीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए वेदों के मंत्रोच्चार से। जो भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव माना जाता है वो वेदों के मंत्रोच्चार से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत को मुख्य रूप से बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन है गायन, वादन, ए व वी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के घराने हैं? ऑप्शन है बनारस घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अर्धशास्त्रीय संगीत में नहीं शामिल है? सही आंसर है तबला। अर्धशास्त्रीय संगीत में तबला शामिल नहीं है, जबकि ठुमरी, दादर, गजल ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं? जो शास्त्रीय संगीत में बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र वो हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बीड़ा, सारंगी, इसराज, ये तीनों शास्त्रीय संगीत में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के कलाकार नहीं हैं? आंसर यहाँ पे सही है सलमान खान, क्योंकि ये एक अभिनेता हैं और शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार नहीं है पूछा गया है यहाँ पर, और शास्त्रीय संगीत के कलाकार पंडित रविशंकर, पंडित पंडिल, यहाँ पर शायद मिसेंडर पंडित होना चाहिए, पंडित जगराज हरि प्रसाद चौरसिया, ये तीनों लोग शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है? ऑप्शन है चमड़ा, बांस, नारियल का खोल, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी गिटार। जबकि सितार, सरोद, शहनाई, ये तीनों शास्त्रीय संगीत में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। गिटार शास्त्रीय संगीत में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली का खेल विशेष रूप से प्रसिद्ध है? जो कठपुतली का खेल है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान में कठपुतली का खेल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्थेटिक पुस्तक है? ये पुस्तक है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, स्टेन ओल्सेन की। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्थेटिक पुस्तक स्टेन ओल्सेन की है। अगला क्वेश्चन है, कला विद्यार्थियों में सृजनात्मक
भाव व्यक्ति का उचित माध्यम है कथन है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का विकास होता है, ऑप्शन है अन्वेषण से, दृश्य योजना से, शाब्दिक क्रियाकलाप से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कला को पढ़ाया जा सकता है, सही आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, स्वतंत्र रूप से पूरक रूप से। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आधार पत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर कला के मूल्यांकन हेतु प्रगति पत्र में बिंदु सम्मिलित हैं, ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों की भागीदारी, सामाजिक मेलजोल, प्रयुक्त माध्यम को समझने की दक्षता, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी के आधार पत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर कला के मूल्यांकन हेतु प्रगति पत्र में बिंदु सम्मिलित हैं, ये तीनों बिंदु विद्यार्थी की भागीदारी, सामाजिक मेलजोल, प्रयुक्त माध्यम को समझने की दक्षता। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो का पार्ट 32, इसके पहले 31 तक और वीडियो बना चुके हैं जो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर क्लिक करके वीडियो लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।